माय चैनल। तो मेरे चैनल में एक बार आपका फिर स्वागत है। तो आज मैं बनाने वाली हूँ कॉर्न, ये है कॉर्न भुट्टा। तो भुट्टे का चिल्ला मैं आज बनाने जा रही हूँ और आपके साथ शेयर करूँगी वीडियो। तो सबसे पहले जो भुट्टे थे ये सारे मैंने अलग कर लिए हैं भुट्टों को, और इनको फिर मैंने मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है। अच्छा फाइन पेस्ट इनका बना देना है। तो ये पेस्ट ऑलरेडी बन चुका है और इसमें मैं ऐड करूँगी अब बेसन। तो जो कॉर्न जो भुट्टे होते हैं उनका चिल्ला बनाने के लिए हमें ये टूटे ना, इसलिए हमें इसमें जो है बेसन डालना पड़ता है। तो ये देखिए इसमें ये मिलाऊंगी मैं बेसन। तो ये बहुत अच्छा चिल्ला आज बन के रेडी होने वाला है। तो मैंने इसमें मिला दिया है बेसन और अब इसके बाद मैं डालूंगी इसमें मसाले। तो ये मैंने लिया है लाल मिर्ची पाउडर, और मैं इसमें हरी मिर्ची ऑलरेडी इसमें कट करके डाल चुकी हूँ। तो लाल मिर्ची पाउडर मैंने ले लिया है, और थोड़ा सा मैं डालूँगी इसमें हल्का सा धनिया पाउडर, और थोड़ा सा इसमें चुटकी भर हल्दी, और डालूँगी हल्दी, और इसमें डालूँगी मैं आपका हींग। तो इसमें मिला दिया मैंने हींग, और थोड़ा सा ऐड करूँगी मैं इसमें लहसुन के पत्ते। अगर आपके पास धनिया के पत्ते हैं तो आप धनिया के पत्ते ऐड कीजिए। और थोड़ा सा मैं डालूँगी इसमें स्वाद अनुसार नमक। और थोड़ा सा मैं इसमें ऐड कर रही हूँ सौंफ। और थोड़ा सा ऐड करूँगी इसमें जीरा, साबुत जीरा। और थोड़ा सा ही ऐड करूँगी अजवाइन। तो ये सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दूँगी, और थोड़ा सा हमें पानी डालते हुए इसका अच्छा सा पेस्ट हमें बनाना है। तो थोड़ा सा पानी ऐड करना पड़ेगा ताकि हम तवे पे जब इसको फैलाएं तो ये अच्छे से फैल जाए और अच्छे से चिल्ले बने हमारे। तो आज बनने वाला है टेस्टी चिल्ला। जो भुट्टे होते हैं वो सबसे ग्रेन में, सबसे हेल्थी ग्रेन में आता है भुट्टा। तो जब भी आपके भुट्टे का सीजन आए तो एक बार चिल्ला बना के आप ज़रूर खाएं इसको। तो थोड़ा सा पतला, और हमें इसमें पानी डाल के मैं इसको थोड़ा और पतला कर दूँगी। बहुत ही हेल्थी होता है भुट्टा, तो ये ज़रूर आप बना के एक बार इसको ट्राई कीजिए। भुट्टे का हलवा, भुट्टे का चिल्ला, भुट्टे का पकोड़े, ये बहुत सारी चीज़ें भुट्टे के बनते हैं। तो इस तरीके से एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिए। अच्छे से मिक्स कर लें इसको। तो इस तरीके का होना चाहिए इसका पेस्ट। पेस्ट हमारा रेडी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं चिल्ला बनाना। तो तवा हमारा गर्म हो रहा है, तो सबसे पहले इस कर लूँगी। तो इस तरीके से ऑयल लगा लें अपने तवे पे, और थोड़ा गर्म होने देते हैं तवा। तो तवा हमारा लगभग गर्म हो चुका है, तो सबसे पहले मैं इसमें डालूँगी इस तरीके से अच्छे से फैलाते हुए।